हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी सो टुडे विल स्टार्ट विद द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किस तरीके से हो सकता है येस yes. अगर ऑलरेडी कुछ पार्टनर है जो फर्म चला रहे हैं जो बिज़नेस रन कर रहे हैं क्या वो एक और पार्टनर को एंटर कर सकते हैं येस yes. किस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो तो लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एबसेंस है तो सारे अगर पार्टनर अग्री करें तो उस केस में हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए बी सी पार्टनर है डी पार्टनर को एडमिट करना है तो अगर ऐसा लिखा गया है कि पार्टनरशिप में मेजॉरिटी अगर करे, तो डी एडमिट हो सकता है तो वो हो सकता है लेकिन अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप में एबसेंस है तो उस केस में सारे अगर पार्टनर अग्री करें तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं राइट जनरली पीपल जो पार्टनर्स होते हैं वो कब न्यू एड पार्टनर को एडमिट करते हैं जब कुछ कोई एक्सपर्ट आते हैं या कुछ ऐसा ऐसे पार्टनर्स होते हैं ऐसा नया पार्टनर होता है जिसमें अलग तरीके का एक्सपर्टीज होगा राइट right? क्योंकि uh, अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा सारे पार्टनर को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करना पड़ेगा सपोज अगर दो पार्टनर हैं पूरे प्रॉफिट का फिफ्टी फिफ्टी परसेंट दो पार्टनर ले रहे हैं तो अगर अब थर्ड पार्टनर आएगा तो उनको अपना प्रॉफिट आधा उसको भी देना पड़ेगा तो अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी होते हैं एक फॉर्म को और कुछ पार्टनर्स को कुछ देना भी पड़ता है अपने हिस्से में से तो हम वो इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या एडवांटेज होंगे डिसएडवांटेज एज इन कुछ नहीं होते लेकिन फिर भी हम देखेंगे आफ्टर पार्टनरशिप फॉलोइंग थिंग्स चेंजेस पार्टनरशिप के बाद क्या क्या चीज़ में चेंज आएगा जो भी ओल्ड पार्टनर अग्रीमेंट होगा ओल्ड पार्टनरशिप डीड होगी वो पूरी एंड हो जाएगी उसका कोई भी चीज़ नहीं मानी जाएगी पूरे की पूरा नया एग्रीमेंट बनेगा उस नया एग्रीमेंट में बताया जाएगा क्या प्रो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा क्या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इफेक्ट ऑफ गुडविल एंड इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी सारी चीज़ें हमने पार्टनरशिप डीट में बढ़ी थी वो एज इट इज़ एक पूरी नई पार्टनरशिप डीट बनेगी और नई पार्टनरशिप डीट के अंदर नए तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे राइट इफेक्ट ऑन गुड विल क्या होगा हम आगे देखेंगे इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वो भी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू पार्टनर गेन अगर एक नया पार्टनर आता है तो उसको पूरा जो फॉर्म का एक हिस्सा होता है हमने देखा था फॉर्म का पूरा हिस्सा क्या होता है वन राइट इसमें से सपोज दो पार्टनर थे ए एंड बी तो वो इसमें से इक्वल रेशियो अगर ले रहे हैं तो उनका क्या रेशियो होगा वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू प्लस वन बाय टू कितना होता है वन राइट right? हम वापस पिज्ज़ा का एग्जाम्पल लेते हैं सपोज दो पार्टनर थे एक पिज़्ज़ा था एक यानी पूरा वन दो जन ने आके इसको डिवाइड किया तो वो क्या हो गया वन बाई टू वन बाय टू राइट वन बाय टू वन बाय टू को प्लस करेंगे तो होगा वन लेकिन अगर इसमें एक और पार्टनर आता है तो इसी वन पिज्ज़ा में से हमें तीन जन के बीच में डिवाइड करना होगा इक्वली तो हम क्या करेंगे इसको तीन में डिवाइड कर देंगे ये हो गया वन बाय थ्री ये भी हो गया वन बाई थ्री और ये भी हो गया वन बाय थ्री इस इन तीनों को वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री को ऐड करेंगे तो टोटल होगा वन तो हमेशा जो प्रॉफिट फॉर्म का जो रेशियो होता है वो वन होता है सारे पार्टनर्स के शेयर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा वन तो यहाँ पर जब थर्ड पार्टनर एडमिट हुआ तो ए और बी ने क्या किया अपने शेयर में से आधा आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा कोई रेशियो में सी को दिया ताकि सी को भी उस शेयर में हिस्सा मिले तो अगर नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर गेन करता है जो कि हम ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ इस हिस्सा पढ़ चुके हैं नेक्स्ट न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज़ प्रीमियम फॉर गुडविल कभी भी नया पार्टनर आएगा तो उसको जैसा पुराने पार्टनर ने कैपिटल दे रखा होगा फॉर्म में तो नए पार्टनर को भी कैपिटल देना रहेगा साथ ही साथ नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल लाना होगा जो कि ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सेक्रीफाइजिंग रेशियो जैसा कि हमने पुराने चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है उनको गुडविल मिलती है फॉर्म की और गेनिंग पार्टनर का डेबिट होता है सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट वो सेक्रीफाइस करेंगे तो उनको गुडविल मिलेगी कौन सी गुडविल मिलेगी जो नया पार्टनर लेकर आएगा किस रेशियो में सेक्रीफाइजिंग रेशियो में और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आएगी तब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी तक के लिए हम खाली इतना समझेंगे कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इफेक्ट ऑन ऑल रिजर्व्स परचेज इसमें एक और पॉइंट आएगा एसेट्स का जो कि मैंने नहीं लिखा पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इफेक्ट ऑन ऑल रिजर्व्स परचेज गुडविल क्या होगा हमारी बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में जैसा कि यहाँ पर रिजर्व्स रहेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा यहाँ पर हमें गुडविल दिखेगी कौन सी गुडविल यहाँ पे दिखती है बैलेंस शीट के अंदर परचेज गुडविल ठीक है हमेशा बैलेंस शीट में परचेज गुडविल दिखती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखती तो यहाँ पर क्या होगा ये जो भी रिजर्व्स पीएनएल गुडविल ये सारे किसकी मेहनत की वजह से ओल्ड पार्टनर्स तो ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी राइट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो लेकिन हमने एक और चीज़ देखी है एडजस्टमेंट एंट्री इस तरीके का हमने कुछ देखा है अगर हमें बोला जाए कि रिजर्व्स, पी एन एल और गुडविल को हमें वापस न्यू बैलेंस शीट में इसी वैल्यू पे देखना है वापस अगर यहाँ पर हमें बोला जाए कि रिजर्व्स पी एन एल गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हमें नई बैलेंस शीट में भी ये इसी वैल्यू पे दिखनी चाहिए तो उस केस में हम रिजर्व्स पीएनएल गुडविल को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन हम वापस ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि वापस सारी चीज़ क्लियर हो जाए राइट इफ़ेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इसका भी पॉइंट मैं बताती हूँ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ अब सपोज कि जो ओल्ड पार्टनर है वो पाँच साल से बिजनेस रन कर रहे हैं ठीक है तो जब उन्होंने अपनी फॉर्म स्टार्ट की थी तो एक लैंड की वैल्यू थी वन करोर अब पाँच साल बाद उस लैंड की वैल्यू हो गई सपोज़ वन पॉइंट फाइव करोर तो ये जो पॉइंट फाइव करोर का इंक्रीमेंट है ये पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए राइट सपोज़ अब पाँच साल बाद नया पार्टनर आता है और सिक्स ईयर में हम फॉर्म बंद कर देंगे तो जो भी इंक्रीमेंट ऑफ लैंड हुआ जो लैंड में इंक्रीज़ हुआ तो वो तो छः साल बाद नया पार्टनर भी मांगेगा कि मेरे को भी दो तो पुराने पार्टनर बोलेंगे नहीं ये जो पॉइंट फाइव का इंक्रीमेंट है वो हमें मिलना चाहिए राइट जैसा कि हमने रिवेल्यूशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि जो भी इंक्रीमेंट इन एसेट्स होता है हम इस साइड पर लिखते हैं जो भी डिक्रीज इन एसेट्स होता है वो हम इस साइड पर लिखते हैं राइट तो हम यही करेंगे इसमें हम एक वापस से रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे ताकि ज़ीरो टू फाइव ईयर्स में जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन एसेट्स और लाइबिलिटीज होए होंगे उसका अभी हम डिवाइड कर लेंगे ये जो नया पार्टनर आया है उसको हमें वापस से सब कुछ स्टार्ट करवाना है तो ज़ीरो टू फाइव ईयर्स का कोई भी तरीके का प्रॉफिट या लॉस होगा वो पुराने पार्टनर पुराने शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी वजह से हमने जो बैलेंस शीट में भी रिजर्व और गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट किया था और इसी रीज़न की वजह से जो भी इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी होगा उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट अगेन एक बार मैं रिपीट करती हूँ जहाँ पर क्या हो रहा है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस दिन तक की जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है हम उसको रीवैल्यू करते हैं ताकि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज से गेन या लॉस हो रहा है वो ओल्ड वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लें और हम वापस से नई वैल्यू के साथ न्यू पार्टनर में के साथ हम अपनी नई फर्म को स्टार्ट करें तो उसको रिवैल्यू करने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट राइट सो यहाँ पर हमने अभी तक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें एक जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड होगा सेकेंड एसेट्स और लाइब्रिटीज रिवैल्यू होती है जिसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि नया पार्टनर आता है तो हमें उसको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना पड़ता है तो अलग अलग तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है अलग अलग तरीके यहाँ पर दिए गए हैं फर्स्ट इन ओल्ड रेशियो सेकेंड इन पर्टिकुलर सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड थर्ड पर्टिकुलर फ्रैक्शन आज हम ये दोनों देखेंगे इन ओल्ड रेशियो एंड इन पर्टिकुलर सेक्रीफाइजिंग रेशियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी टेक्स्ट बुक का ही इलस्ट्रेशन है हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर दें ए एंड बी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है फाइव इस टू थ्री सी पार्टनर है नया एडमिट हुआ है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वन बाय फोर राइट सो अब हमें इसमें क्या निकालना है एक तो हमें इसमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ तीनों पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बोला गया कि ए एंड बी जैसा हमने देखा था फ्रॉम एंड ऑफ कि सी टेक्स वन थर्ड फ्रॉम ए एंड टू थर्ड फ्रॉम बी या फिर सी टेक्स वन थर्ड ऑफ ए एंड टू थर्ड ऑफ बी इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए थे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पे सिंपली हमें दिया है ए एंड बी का ये रेशियो है सी का वन फोर्थ है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो टोटल फॉर्म का कितना रेशियो होता है वन वन में से वन बाय फोर किसने ले लिया सी ने तो बचा कितना थ्री बाय फोर तो अब इस थ्री बाय फोर को ए एन बी अपने पुराने रेशियो में ले लेंगे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर पूरे फॉर्म का होता है शेयर वन उसमें से सी ने आके कितना बोला कि भाई मेरे को तो वन बाय फोर चाहिए तो हम डायरेक्टली इस वन बाय फोर में से माइनस कर दें और वन में से माइनस कर देंगे वन बाय फोर बचा कितना थ्री बाय फोर इस थ्री बाय फोर शेयर को ए और बी फाइव इस टू थ्री के शेयर में ले लेंगे हमारा न्यू शेयर इस तरीके से आ जाएगा थ्री बाय फोर बचा थ्री बाय फोर को ए और भी लेंगे फाइव बाई एट और थ्री बाई एट के शेयर में सी का रेशियो हमें ऑलरेडी पता है वन बाय फोर क्योंकि हमें शेयर में डिनमिनेटर सेम रखना है इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एट ऊपर और नीचे तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन बाय थर्टी टू नाइन बाय थर्टी टू एट बाय थर्टी टू तो हमारा न्यू शेयर आ गया फिफ्टीन इज़ टू नाइन इज़ टू एट याद रखना स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है वो वो ही हमारा आएगा इन न्यूमरेटर को प्लस करके दैट इज़ फिफ्टीन प्लस नाइन प्लस एट कितना होता है थर्टी टू इन केस ऑफ न्यू रेशियो राइट अगर हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ओल्ड हमारा कितना है फाइव बाई एट न्यू है फ़िफ्टीन बाय थर्टी टू हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आया फाइव बाय थर्टी टू और थ्री बाय थर्टी टू सेक्रीफाइजिंग रेशियो में हम डिनोमिनेटर नहीं देखते डायरेक्टली क्या हम लिखेंगे फाइव इज़ टू थ्री राइट सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिनोमिनेटर नहीं देखा जाएगा तो हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ गया फाइफ इज टू थ्री बहुत सिंपल है इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने की ये है कि ऐसे केस में जब हमें नहीं बताया गया होता कि सी कैसे ए और बी से ले रहा है मतलब सी का यहाँ पर डायरेक्टली वन बाय फोर दे दिया तो हमने क्या किया जो रिमेनिंग शेयर था उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया ऐसे शेयर में जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है वो हमेशा ओल्ड रेशियो का ही होगा देखो ओल्ड रेशियो क्या है फाइव इज टू थ्री सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है फाइव इज टू थ्री तो इस केस में अगर आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज़ फाइव इज टू थ्री राइट लेकिन ये कौन सा केस है जहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू शेयर ऑफ पार्टनर दिया है राइट वेरी सिंपल क्वेश्चन इसका हम एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है इलास्ट्रेशन नंबर टू वो भी देख लेते हैं ए बी सी वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफ़िट इन द रेशियो थ्री टू टू इस टू वन दे एडमिटेड डी फॉर टेन परसेंट परसेंटेज बेसिस पर दिया है तो अगर डी का टेन परसेंट है तो हंड्रेड का टेन परसेंट कितना हो गया uh, हम इसको किस तरीके से करेंगे टेन परसेंट है यानी कि टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड हम बोल सकते हैं यानी डी का कितना शेयर है वन टेंथ राइट सो यहाँ पर डी का शेयर आएगा वन बाय टेन तो अगर D का शेयर वन बाय टेन है तो रिमेनिंग कितना हुआ नाइन बाय टेन राइट अब इस नाइन बाय टेन को हम ओल्ड रेशियो दैट इज़ थ्री टू 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 वन में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गया ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटी बी का एटीन बाई सिक्सटी डी का नाइन बाय सिक्सटी सी का नाइन बाय सिक्सटी डी का तो वन बाय टेन है तो वन बाय टेन को हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ऊपर नीचे हम सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिक्स बाय सिक्सटी राइट right? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो गया नाइन इज टू सिक्स इज टू थ्री इज टू टू यहाँ पर भी हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप कैलकुलेट करके देख लो जो uh, जो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो है वो थ्री इज टू टू इज़ टू वन ही आएगा हंड्रेड परसेंट कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर इज गिवन नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है और खाली ओल्ड पार्टनर का नया शेयर गिवन है जैसे सी का बोला है वन बाई फोर और ए और बी का ओल्ड रेशियो नहीं बोला ए और बी का बोला है कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बाई वन है अब जनरली स्टूडेंट इसमें क्या कम गलती कर देते हैं कि इसका तो टू बाय वन है ठीक है तो ये हो गया टू बाय वन और सी का है वन बाय फोर तो पता नहीं इसमें क्या करते है मैं तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं डाल दूंगी कि क्या गलती करते हैं हम डायरेक्टली इसको राइट ही पढ़ेंगे वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर ए एस टू बी ए और बी का खाली ए और बी का नया शेयर दे रखा है आपस में और सी का नया शेयर दे रखा है हमें कलेक्टिवली ए बी सी का नया शेयर निकालना है राइट यहाँ पर ए और बी का जो टू इज टू वन शेयर बोला है इसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर जो ए और बी है वो अपने जो शेयर है उसको टूइ टू वन में शेयर करेंगे राइट सो रिमेनिंग शेयर कितना बचा वन माइनस वन बाय फोर इक्वल्स टू थ्री बाय फोर अब यहाँ पर ये यह बोला है कि ए और बी इस थ्री बाय फोर के रेशियो को थ्री बाय फोर के शेयर को टू इज टू वन में शेयर करेंगे तो थ्री बाय फोर इंटू टू बाय थ्री थ्री बाय फोर इंटू वन बाय थ्री और वन बाय फोर तो हमारे पास ऑलरेडी है तो वन बाय फोर के डिनमिनेटर को सेम करेंगे यहाँ पर अब जो तीनों का शेयर है वो ये आया है right? राइट ये टू इस टू वन को मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ देखो ये एक पिज्ज़ा है ए और सी का हमें बोला है कि सी ने इतना शेयर ले लिया वन बाय फोर इज दस ठीक है वन बाय फोर ये सी का हो गया अब ए और बी के लिए क्या बोला है कि ये जो शेयर है इसको वो आपस में टू इज़ टू वन के रेशियो में लेंगे सपोज़ अगर बोला होता कि ये जो इतना शेयर है उसको वो इक्वली लेंगे तो हम ऐसा नहीं बोलते कि ए और बी का वन बाय टू और वन बाय टू है हम क्या बोलते कि ये जो थ्री फोर्थ बचा है ये जो इतना थ्री फोर्थ बचा है उसको वो हाफ ऑफ लेंगे राइट उसको वो हाफ ऑफ लेंगे तो थ्री बाई फोर इंटू वन बाई टू तो वो थ्री बाय फोर का हाफ़ आता और वैसे ही बी के लिए थ्री बाय फोर इंटू वन बाई टू बहुत ही अच्छी चीज़ है ये समझने के लिए कि यहाँ पर ये जो इतना शेयर बचा है इसको हमें हाफ़ ऑफ़ करना है राइट तो इसको हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे थ्री बाई फोर को अगर हाफ़ करना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय टू तो यहाँ पे हमने डिवाइड बाय टू कर दिया इससे हमारा क्या आ जाएगा ए का शेयर सेम वैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ए और बी के लिए क्या बोला है कि ये जो रिमेनिंग शेयर है इतना शेयर इसको वो टू इज़ टू वन में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पहले रिमेनिंग शेयर निकाला थ्री बाय और इसको फिर टू इस टू वन में डिवाइड किया उसके बाद हमारा आ गया तीनों का शेयर ए बी सी का सिक्स इस टू थ्री इज टू थ्री राइट right? सो so, यहाँ पर हमारे दो तरीके के क्वेश्चंस हुए दो तरीके के सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने के क्वेश्चंस हुए दो तरीके के न्यू रेशियो निकालने के हुए uh, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द थर्ड थर्ड मेथड उससे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपके चैप्टर टी एस ग्रेवाल में से पढ़ लेना और ये जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेना